Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं सच बताऊं मिश्ती, मैं सच में अब भी कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन मुझे आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई बतानी है उन्हें। कैसी सच्चाई मिश्ती? ओनर, ओनर अर्चना आई, मेरी मेरी सगी आई नहीं है। उन्होंने मुझे गोद लिया था, मगर अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया। मेरे घर में आई बाबा, आजी, आजोबा, ओ भी तेजू, सचिन दादा, सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे अपना। मिष्टी, मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं जानना, और मैं ये भी नहीं जानना चाहता हूं कि तुम अपना घर छोड़कर यहां पर क्यों आई हो। हम पति पत्नी बाद में हैं, पहले अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त के नाते मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझता हूं, और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी जिंदगी में इतने सारे रिश्ते हैं, और इस बात से भी बहुत खुश हूं कि तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा। तो फिर इसी रिश्ते के लिए ओवी का इलाज कर दीजिए ओनर। मिष्टी, I'm sorry, मेरा फैसला बदल नहीं सकता। प्लीज मिष्टी, मुझे फोर्स मत करो। चलो चलकर खाना खाते हैं। अर्जुन आओ ना। पूर्वी कहाँ ले जा रही हो मुझे? थक गया हूँ मैं बहुत। अर्जुन चलो ना मेरे साथ। पूर्वी, हम बहुत पूरे दिन से काम कर रहे हैं, थक गया हूँ, अब चलते हैं ना वापस। अर्जुन चलो ना, आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह दिखाऊंगी, चलो। रियली? कहाँ है तुम्हारी खूबसूरत जगह? अर्जुन, ये क्या है ये? तुम क्या पूर्वी, हम पूरा दिन काम करने के बाद ऐसी जगह पे आ गए, खंडर जैसी जगह, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आसपास, कैसी बातें कर रही हो तुम? खूबसूरत जगह, यहाँ बैठो, कितना बोलते हो तुम। अर्जुन, ये जगह देखो ना, इतनी खूबसूरत है, कितनी शांत है ये जगह। हमारी दिन भर की भाग दौड़, कभी हमारे काम पूरे करने के लिए दौड़ भाग, कभी हमारे काम जल्दी जल्दी करने के लिए भाग दौड़, कभी इस भीड़ से आगे बढ़ने के लिए भाग दौड़, इसमें हमारा दिल क्या कहता है ये तो हम सुन ही नहीं पाते। कितना शोर रहता है हमारे आसपास सारा दिन, लेकिन यहाँ आके हमारा दिल जो कहता है वो हम सुन सकते हैं। शांति है ना यहाँ। सुना अर्जुन, मेरे लिए ये दुनिया की सबसे स्पेशल जगह है। Well, that's great. इसी बहाने मुझे कम से कम ये तो पता चला कि किसी दिन अगर तुम कहीं खो गए तो मुझे तुम्हें कहां ढूंढना चाहिए। कभी भी किसी मुसीबत में होता हूं तुम हमेशा मेरे सामने होती हो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती हो और फिर चली जाती हो।
Why do you do this? आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है अर्जुन, अगर तुमने मुझे कभी भी सच्चा प्यार किया तो प्लीज अपनी अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। अर्जुन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी ना, तुम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ अर्जुन, आगे बढ़ गया अर्जुन, पति बनने की पूरी कोशिश की, ओवी को खुश नहीं रख पाया मैं। यही कहा था ना तुमने करने के लिए पूर्वी, किया और करके सब कुछ खो दिया, तुम्हें खो दिया, खुद को खो दिया। क्या आखिर वो क्या करूं? Now what do I do? अरे ऐसे कैसे किया? तुझे मिली ना वो वहां, तो अपने साथ क्यों नहीं लेके आई उसे? इसे कैसे लेकर आती आई? अब पूर्वी की अपनी जिंदगी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो मां बनने वाली। मैं उसे नहीं ला सकती थी ना। मतलब पूर्वी ने शादी कर ली है? किससे? कौन है वो? डॉक्टर ओनर। डॉक्टर ओनर ही पूर्वी के पति है। ये बात जब हमें पता चली तभी से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। वो भी उस रात को आई। मैं डॉक्टर ओनर की पत्नी हूँ। डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, नहीं पहले भी बोला था। अरे हमारी ओवी ना समझ है, लेकिन ओवी की ना समझी की सजा हम पूर्वी को क्यों दे? ने मुझे बोलो कि पूर्वी अभी माँ बनने वाली है, उसे हमारी जरूरत है। अरे वो नहीं मान रही थी तो उसके पति के साथ बात करके तो तू लाना चाहिए था उसे। आई डॉक्टर ओनर को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें अर्जुन पूर्वी के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। पूर्वी ने उनसे सारी बातें छुपाई है, वक्त आने पर बताएगी, लेकिन अभी उन्हें कुछ नहीं पता। उनके लिए हम सिर्फ अजनबी, तो मैं किस नाते पूर्वी को यहाँ पर लेकर आती? और फिर आई, पूर्वी खुद भी यहाँ नहीं आना चाहती थी तो मेरी बात का यकीन मानी आई। पूर्वी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है, मैं चाहकर भी उसे कभी ऐसी जिंदगी नहीं दे पाती जो उसने खुद के लिए चुनी। आई डॉक्टर ओनर पूर्वी से बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ पूर्वी को खुश देखकर। मेरे लिए इससे बड़ी कोई और खुशी नहीं है। अर्जुन बताना और पूर्वी के बारे में, वो कैसी है? अरे उसकी शादी हो गई, अब वो प्रेग्नेंट है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिंदगी की नई शुरुआत की है उसने और हमें पता तक नहीं है। हाँ डॉक्टर ओनर के साथ वो बहुत ज्यादा खुश है, मैं चाहकर भी अपनी बेटी को कभी ऐसी जिंदगी नहीं दे पाती। लेकिन पूर्वी जिस तरीके से आज रह रही है उसे देखकर बहुत अच्छा लगा है। मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। लेकिन तू अभी फोन लगा, मैं अभी बात करूंगी उससे, और फिर पुन्नी की साखर पुड़े के बारे में भी उसे बताएंगे। हमारे लिए ना सही, लेकिन अपनी बहन की सगाई के लिए हो सकता है वो आ जाए। ठीक है। हेलो उर्वी, जी
अभी भी मेरी आवाज याद है? अजय कैसी बातें कर रही है तू? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।